अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, इट्स योर लेक्चर नंबर सिक्स, पेज नंबर 32। ईच बी हाइव इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। वो कहते हैं कि हर एक छत्ते का निज़ाम आला तरतीब से रखा गया। देयर इज़ अ क्वीन बी इन ईच बी हाइव। वो कहते हैं कि हर एक छत्ते में एक मलका शहद की मक्खी होती है। देयर आर न्यूमरस मेल बीज कॉल्ड ड्रोन्स। वहाँ पे ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा तादाद में मुजक्कर शहद की मक्खियाँ होती हैं जिनको ड्रोन्स कहा जाता है। देर आर वर्कर बीज, वहाँ पे कारकुन शहद की मक्खियाँ होती हैं काम करने वाली। द क्वीन बी इज़ द प्राइड ऑफ ईच हाइव। हर एक छत्ते की मलका को उसका गरूर समझा जाता है, उस पर नाज किया जाता है। बच्चों यहाँ पे गरूर नेगेटिव में आपने मतलब नहीं लेना, यहाँ गरूर का मतलब क्या आ रहा है, यानी जिस पर नाज किया जाए, पॉजिटिव वर्ड है ये प्राइड, उसे गरूर समझा जाता है, उस पर नाज किया जाता है। ऑलराइट, अ हाइव कैन नॉट हैव मोर देन वन क्वीन बी। वो कहते हैं कि एक छत्ता अपने पास एक से ज़्यादा मलका अपने छत्ते में नहीं रख सकता, और ना वो रखते हैं। वजह क्या है? फियर्स फाइट्स टेक प्लेस। कहते हैं पुरजोश लड़ाइयाँ होती हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द क्वीन, मलका का इंतखाब करने के लिए। यानी कि अगर आप ये देख लें कि वहाँ पे भी मलका का इंतखाब करने के लिए भी लड़ाई की जाती है, सबसे स्ट्रांग से स्ट्रांग शहद की मक्खियाँ आपस में लड़ते हैं, और जो लड़ाई जीत गई उसे मलका बना दिया जाता है। द क्वीन कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय हर शेप एंड साइज। वो कहते हैं कि मलका को कैसे पहचाना जा सकता है, मलका को उसकी शक्ल और सूरत से और उसकी कदोकामत से पहचाना जा सकता है। शी कैन ले अप टू 3000 eggs a day. वो एक दिन में करीबन 3000 अंडे दे सकती है। Which is about 10 eggs every 5 minutes. जिसका अंदाज़ा लगाया जाए हर 5 मिनट में 10 अंडे देती हैं वो। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर हर 5 मिनट में 10 अंडे देती हैं तो 24 घंटों में कितने हो गए? तो उन्होंने कहा 3000 a day. एक दिन में 3000 अंडे मलका दे सकती हैं। यहाँ तक तो हो गई बच्चों मलका की बात। अब आते हैं हम वर्कर्स की बात करते हैं, वो शहद की मक्खियाँ जो काम करती हैं। अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। द वर्कर्स बीज आर बिल्डर्स एंड रिपेयरर्स, क्लीनर्स एंड हनी कलेक्टर्स, फीडर्स एंड नर्सेस। बिल्डर्स इमारत बनाने वाले, रिपेयरर्स मुरम्मत करने वाले, क्लीनर्स सफाई करने वाले, हनी कलेक्टर्स शहद जमा करने वाले, फीडर्स खाना खिलाने वाले, एंड नर्सेस देखभाल करने वाले। जो छोटे शहद की मक्खियाँ जो पैदा होती हैं, जो अंडों से निकलती हैं, उनका ख्याल रखने के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि अंडों का ख्याल रखने के लिए नर्सेस। द बिल्डर्स एंड रिपेयरर्स मेक वैक्स। इमारत बनाने वाले या उसकी मरम्मत करने वाले मोम बनाते हैं। दे नेड एंड मोल्ड द वैक्स एंड मेक सेल्स इन द हाइव। वो क्या करते हैं, उस मोम को गूंथते हैं, उसे नरम करते हैं और उससे वैक्स बनाते हैं, ठीक, और उससे खाने भी आप कह सकते हैं, कमरे भी कह सकते हैं। अगर आप एक छत्ते को देखें इस पिक्चर में, ये जो छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं ये एक्चुअली सेल्स हैं। कमरा भी कहा जाता है इनको, इनको खाने भी कहा जाता है इनको। इनफैक्ट आगे जाके इंशाल्लाह जब आप अगला अपना कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें और भी डिटेल में बताया गया जिनको ये हुजरे कहते हैं, रूम्स। तो यहाँ पे आप ब्लॉक्स काउंट कर सकते हैं, आप ब्लॉक कह सकते हैं। तो वो उनका काम क्या होता है, उनको गूंदना, नरम करना, मोम बनाकर दूसरे रूम यानी सेल्स ब्लॉक्स बनाना छत्ते में। सम बीज हैव द ड्यूटी टू क्लीन द सेल्स टू रिसीव न्यू एग्स।